हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे शिक्षण विधियों के बारे में। तो अब हम ले रहे हैं प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। तो इसमें क्या है, प्रकृतिवाद सभी प्रकार की शिक्षण विधियों के विरोध करता है। उसने कहा है कि जो भी शिक्षण विधि अपनाई जाती है पारंपरिक रूप से, प्रकृतिवाद क्या है, उन सारों का क्या है, विरोध कर रहा है। यह गतियात्मक शिक्षण विधियों पर बल देता है। कहते हैं, ये कहते हैं कि ये गतियात्मक विधियों पर बल देता है, ना कि पुरानी विधियों पर। प्रकृतिवाद किसी प्रकार की औपचारिक स्कूल और पाठ्य पुस्तकों का समर्थन नहीं करता। कहते हैं प्रकृतिवाद क्या कहता है, ना तो ये कहते हैं कि कोई फॉर्मल एजुकेशन स्कूल के टाइप की कहता है कि ऐसा होना चाहिए, ना ही पाठ्य पुस्तकों के साथ पढ़ाना चाहिए। ये इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता। उनके अनुसार शिक्षण की सबसे अच्छी विधि प्रकृति का अनुपालन करना है। उन्होंने कहा सबसे अच्छा मेथड क्या है कि नेचर के अंदर पढ़ाना। बच्चों के लिए सबसे अच्छी शिक्षा प्रकृति का अनुभव प्रदान करना है। कहते बच्चे सबसे ज़्यादा क्या है, इसी विधि के द्वारा सीखते हैं। तो प्रकृतिवाद के अनुसार क्या है, कहा है इसने, ना तो पाठ्य पुस्तकों का होना चाहिए, ना क्लासरूम्स का होना चाहिए। जो शिक्षा होनी चाहिए वो नेचर के अंदर होनी चाहिए। तो इन्होंने कौन कौन से पॉइंट लिए हैं इसकी शिक्षण पद्धतियों के लिए। सबसे पहले है अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग, सेकेंड है खोज करना, थर्ड है खेल विधि, फोर्थ है गतिविधियों से सीखना, फिफ्थ है अनुभव द्वारा सीखना, एंड सिक्स्थ है अवलोकन विधि। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना। इसने कहा है कि रूसो के अनुसार बालक को शाब्दिक पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उसे अनुभव प्रदान करना चाहिए। यानी कि ज़्यादा वर्बली बोल के ना बताओ, बच्चों को एक्सपीरियंस हमें देना चाहिए, उन्हें करके सीखने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। कहते खुद करके सीखो, वो उनको ये अवसर दे देना चाहिए और शब्दों का सहारा लेना चाहिए और साथ में वर्ड्स की भी हेल्प लेनी चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। शब्दों के प्रति छोटे बालक कभी भी गंभीर नहीं होते। जो छोटे बच्चे हैं वो वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं लेते, जब वे बड़े हो गए शब्दों को तुरंत भूल जाता है। कहते कई वर्ड्स क्या होते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं उनको भूल जाते हैं। तो उसने कहा है कि इसलिए बच्चों को कहते हैं कि एक्सपीरियंस के द्वारा सिखाना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद स्वयं काम करते हैं वो कभी नहीं बोलते। सेकंड है इसमें खोज करना। कहते बच्चों को स्वयं खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ नया खोज कर लाए। इसने कहा है कि वे स्वभाव से ही वातावरण की खोज करते हैं। कहते बच्चों के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है, वो हमेशा क्या है, कुछ नया ही सीखना चाहते हैं। उनको कहते हैं स्वतंत्र रूप से खोजने के अवसर प्रदान कर देने चाहिए, इसलिए ताकि जीवन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ की, वो उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकें। इसलिए खोज करना की प्रवृत्ति बच्चों को सिखानी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें खेल विधि, यानी कि प्ले वे मेथड। खेल बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, सभी बच्चों को अच्छे लगते हैं खेल। प्रकृतिवादी सीखने की खेल विधि का बहुत महत्व देते हैं, खेल के द्वारा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। देखो सबसे बड़ी बात है, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है और उनको कहते हैं कि सृजनात्मक का विकास होता है। बच्चों के अंदर क्या है, क्रिएटिविटी का भी आ जाती है। सीखने की यह प्राकृतिक विधि है, इसके द्वारा कहते हैं किसी बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और क्रिएटिविटी भी साथ में आ जाती है। आगे है इसमें गतिविधियों से सीखना। कहते हैं बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। कहते हैं हर बच्चों को अपनी आवश्यकताएँ कहीं ना कहीं से पूरी करनी पड़ती हैं। प्रकृतिवाद अध्यापक सृजनात्मक गतिविधियों का बहुत महत्व देते हैं। कहते हैं जो प्रकृतिवाद है वो गतिविधियों को क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वे बच्चों को कहते हैं उनकी रुचि के अनुसार कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको फ्रीडम देनी चाहिए। इससे क्या है कि बच्चे को क्या है, ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा बच्चा, उससे ज़्यादा सीख जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अनुभव द्वारा सीखना। कहते हैं अनुभव द्वारा कहते हैं बच्चे को क्या है, समस्या से बच्चों को सामना करना आ जाता है। प्रकृति वस्तु और मनुष्य को प्रत्यक्ष अनुभव बच्चे को दूसरी विधियों से कहीं अधिक प्रभावशाली ज्ञान प्रदान करते हैं, चाहे प्रकृति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे मनुष्य हो। हर चीज़ क्या है, बच्चे को कहते हैं कि ज़्यादा प्रभावशाली ज्ञान प्रदान करती है। तो बच्चे को कहते हैं कि सीधा ही अनुभव प्रदान करना चाहिए। शिक्षा अपने उद्देश्य, प्रक्रिया और शिक्षा के साधन बच्चे के जीवन अनुभव से ही प्राप्त करती है, इसलिए शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं। नेक्स्ट है अवलोकन करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। बालक के शारीरिक ज्ञान इंद्रियों और उसकी शक्तियाँ अनुभव अवलोकन के द्वारा से ही विकसित होती है। कहते बच्चों के अंदर कई शारीरिक अंग होते हैं, कई प्रकार की ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं और कई प्रकार की शक्तियाँ वो अनुभव होती है। वो कहाँ से होती हैं, अवलोकन के द्वारा ही अनुभव होती हैं।
इसलिए उसकी शिक्षा के लिए अनुभवों और अवलोकन का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं उसको जो भी हमने शिक्षा देनी है उसके अंदर कहते हैं एक तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन दोनों का ही यूज़ होना चाहिए। उदाहरण के लिए ज्यामिति ज्ञान के लिए उसे शाब्दिक पता नहीं होता, वास्तविक खेल के मैदान में ले जाकर अनुभव प्रदान करना चाहिए। मान लो हमने ज्योमेट्री की नॉलेज देनी है बच्चे को तो ऐसे समझ में नहीं आता, तो हम उसे क्या है प्लेग्राउंड में ले जाके उसके बारे में समझाएंगे तो बच्चा उसके बारे में जल्दी सीख जाएगा। इसी प्रकार इतिहास और भूगोल को भी केवल कक्षा के विषय के रूप में नहीं अपितु कक्षा से बाहर विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। हम जो इतिहास और भूगोल वैसे पढ़ाते हैं तो काफ़ी बोरिंग लगता है, लेकिन अगर हम कक्षा के बाहर अलग अलग मेथड से पढ़ाया जाए इनको, अलग अलग इनको ऐतिहासिक स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों की यात्रा करवाई जाए तो बच्चे क्या हैं इजीली समझ लेते हैं। तो ये सारे मेथड क्या हैं, टीचिंग मेथड प्रकृतिवाद में हमें दिए हैं सीखने के